जब भी मैं लव्स एक्टर सोचता हूँ तो एक नाम मेरे दिमाग में जरूर आता है। उन बड़े नामों में से वो नाम एक है जो लिस्ट के टॉप पर है। वो नाम, वो खूबसूरत शख्स इरफान खान है। आई थिंक द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिंग इज इरफान खान। मतलब मुझसे पूछा जाए कि डिफाइन आर्ट या एक्टिंग क्या होती है, तो इसका सादा सा जवाब जो मैं दूंगा वो इरफान खान है। उसके जवाब में सिंपल इरफान खान लिख दूंगा। वैसे तो 2020 में जिंदगी 2020 तो खेल ही रही है सबके साथ, और इस 2020 में हारता सिर्फ इंसान है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाला इंसान, एक्टिंग की दुनिया का चमकता सितारा, बॉलीवुड की दुनिया का एक बड़ा नाम इरफान खान इस जिंदगी के 2020 मैच में हार गए। वो आज हम में हैं भी और नहीं भी। कला का एक जो बेस्ट यूज हो सकता था वो उन्होंने किया है। आई थिंक एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर आई लॉस्ट अ स्कूल ऑफ एक्टिंग, आई लॉस्ट अ बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिंग, इरफान खान। शायद उन जैसा कभी कोई आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इंसान, कहते हैं कि घर में आया इंसान भूला जा सकता है, लेकिन जो इंसान दिल में घर कर जाए उसे भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम आपको हमेशा याद रखेंगे सर। वी विल मिस यू ऑलवेज, वी विल मिस यू फॉर एवर। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। आमीन।